हलाकू खान आसपास की सलीबी रियासतों से सुल्तान बैबरस के खिलाफ इत्तेहाद कर रहा था। वो सलीबियों के साथ मिलकर मुसलमानों को इस दुनिया से मिटा देना चाहता था। सलीबी भी यही चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मंगोलों से हाथ मिला लिया और मुसलमानों के खिलाफ एकजुट होकर साजिश करने लगे। अभी ये लोग जंग की तैयारी कर ही रहे थे कि चंगेज खान का एक पोता जिसका नाम बरके खान था वो मुसलमान हो गया, जिससे मंगोलों की ताकत आधी हो गई। दरअसल चंगेज खान के चार बेटे थे, जोची खान, चुगतई खान, उगदई खान और तुलाई खान। जोची खान के दो बेटे थे बातू खान और बरके खान, और तुलाई खान के चार बेटे थे जिनमें से एक था हलाकू खान। उस दौर में मंगोलों की सारी ताकत इन दोनों के ही पास थी, क्योंकि अब बरके खान मुसलमान हो चुका था और उसके पीछे पीछे बहुत से मंगोल भी इस्लाम कबूल करने लगे थे, इसलिए मंगोलों की ताकत भी आधी होती जा रही थी। हलाकू खान अपने चचाजात भाई बरके खान के मुसलमान होने पर आग बबूला हो गया था। उसे मुसलमानों से इतनी नफरत हो गई थी कि वो जिस शहर को फतेह करता वहां के मुसलमानों पर कहर बनकर टूटता और उन्हें उजाड़ कर रख देता। वो उस शहर की मस्जिदों को आग के हवाले कर देता और ईसाइयों के गिरजाघरों को छोड़ देता और ईसाइयों पर रहमदिली का इजहार करता, जिसकी वजह से बहुत सारे ईसाई हलाकू खान के लश्कर में शामिल होने लगे और हलाकू खान की ताकत और भी ज्यादा बढ़ने लगी। चूंकि अब दोनों भाई खुलकर दुश्मनी पर उतर चुके थे, तो हलाकू खान ईसाइयों के बलबूते अपनी ताकत बढ़ा रहा था और बरके खान की खुशकिस्मती ये कि उसे अल्लाह ने हिदायत दी और वो मुसलमान हो गया। अब वो अपनी मंगोल सल्तनत के लिए नहीं बल्कि दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए लड़ना और मरना चाहता था। अब उसने सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसे सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस ने खुशी खुशी कबूल कर लिया। अब मुसलमानों की ताकत दोगुनी हो चुकी थी। अब वे हलाकू खान के कब्जे से फलस्तीन और उसके आसपास के इलाके वापस लेना चाहते थे। इसी दौरान बरके खान और हलाकू खान के बीच खोरेज जंग हुई, जिसमें हलाकू खान की शिकस्त हुई और उसके बहुत ज्यादा सिपाही इस जंग में मारे गए और हलाकू खान को अपनी जान बचाकर मैदान जंग से भागना पड़ा। अपनी पूरी जिंदगी में एक भी जंग ना हारने वाला हलाकू खान अपनी इस हार का सदमा बर्दाश्त न कर सका और अपनी मौत मर गया। हलाकू खान सलीबियों का हमदर्द बना हुआ था, इसलिए उसकी मौत का सबसे ज्यादा दुख ईसाई रियासतों को हुआ। उन्होंने उसकी मौत का इल्जाम मुसलमानों पर लगाया। उनका कहना था कि सुल्तान बैबरस के इशारे पर हलाकू खान को जहर देकर मार दिया गया। बहरहाल ये तो हलाकू खान की खुशकिस्मती थी कि उसे अपनी मौत मरना नसीब हुआ, वरना उस दौर में सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस ने इतनी ताकत और कुव्वत इख्तियार कर ली थी कि वो किसी भी महाज पर हलाकू खान को आसानी से शिकस्त देकर कत्ल कर सकता था। खैर जो भी हुआ हो, हलाकू खान अपने अंजाम को पहुंच चुका था। अब सुल्तान बैबरस की नजर हलाकू खान का साथ देने वाली सलीबी रियासतों पर थी। सुल्तान बैबरस ने फलस्तीन, लेबनान और मुल्क शाम में अपने पंजे जमाए सलीबियों को उखाड़ फेंकने का फैसला किया। इन सलीबियों को रोम, फ्रांस और कुस्तुनतुनिया के बादशाह की हिमायत हासिल थी। सबसे पहले सुल्तान बैबरस ने कुस्तुनतुनिया के बादशाह से कुछ मुआहदे किए, जिसमें फलस्तीन और लेबनान में मौजूद सलीबियों को मदद न देने का मुआहदा भी शामिल था। कुस्तुनतुनिया से इन सलीबियों को अब मदद मिलना बंद हो चुकी थी। सुल्तान बैबरस ने कुस्तुनतुनिया के बाद वेनिस और जेनेवा से भी कुछ मुआहदे किए और उनके साथ दोस्ताना ताल्लुक कायम कर लिए। अब बाकी बची दो रियासतें रोम और फ्रांस सुल्तान बैबरस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती थी, इसलिए उनसे समझौते की कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी। एक दिन सुल्तान बैबरस को मुखबिरों के जरिए खबर मिली कि रोम और इटली के दरमियान किसी बात को लेकर झगड़ा बढ़ गया है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ सख्त दुश्मनी पर उतर आए हैं। इनमें इटली का बादशाह मैनफ्रिड अच्छा इंसान था, वो मुसलमानों के साथ लगाव रखता था। उसने अपने दरबार में भी बहुत से मुसलमानों को बड़े ओहदों पर फाइज कर रखा था। सुल्तान बैबरस ने एक कदम और बढ़ाते हुए इटली के बादशाह से भी दोस्ताना ताल्लुकात कायम कर लिए। मिस्र और इटली की ये दोस्ती काफी अरसे तक कायम रही। सन 1266 में फ्रांस के बादशाह ने अपने लश्कर के साथ इटली पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने इटली पर कब्जा करके बादशाह मैनफ्रिड को कत्ल कर दिया। बादशाह मैनफ्रिड के कत्ल होने के साथ ही मिस्र और इटली की दोस्ती भी खत्म हो गई। सलीबी अपनी आपसी लड़ाई में मसरूफ थे। मंगोलों की ताकत को भी सुल्तान बैबरस ने लगभग खत्म ही कर दिया था।
सुल्तान बैबरस की नज़र अब उन किलों पर थी जो कभी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने नसरानियों से जीते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की वफात के बाद मुसलमान आपसी लड़ाई में कमज़ोर हो चुके थे, जिसका सलीबियों ने फ़ायदा उठाते हुए यूरोप के ईसाइयों की मदद से उन किलों पर दोबारा कब्जा कर लिया था। इन सलीबियों ने मंगोलों के साथ मिलकर मुसलमानों पर मंगोलों से भी ज़्यादा जुल्म और तशद्दुद किया था। अलकर्क नाम का एक किला जो मक्का के रास्ते में पड़ता था, इस पर सलीबियों का कब्जा था। सलीबी हाजियों के आने जाने वाले काफिलों पर घात लगाकर हाजियों के काफिलों को लूट लेते और उन्हें कत्ल कर देते। सुल्तान ने सबसे पहले इसी किले पर हमला किया और कुछ ही दिनों में किले को फतह कर लिया। इसी तरह सुल्तान बैबरस एक एक करके फलस्तीन के सारे किले फतह करता जा रहा था। सुल्तान का सबसे बड़ा हमला अंताकिया शहर पर हुआ, जहां पर सुल्तान का सामना लगभग 2 लाख सलीबी फौजियों से हुआ। इस किले की दीवारें बहुत ऊंची थी। किले के अंदर रहने वाले लोगों को यकीन था कि सुल्तान किले की इन ऊंची दीवारों को देखकर वापस लौट जाएगा, लेकिन सुल्तान अपने साथ पत्थर और आग बरसाने वाली मंजनीकें लेकर आया था। सुल्तान के हुक्म से जब किले पर पत्थरों की बारिश हुई तो खौफ के मारे अंदर बैठे लोगों ने किले के दरवाजे खोल दिए और कुछ देर की लड़ाई के बाद उन्होंने हथियार डाल दिए और सुल्तान की इताअत कबूल कर ली। इसके बाद सुल्तान ने आर्मेनिया की तरफ कूच किया। अभी सुल्तान आर्मेनिया पहुंचा ही था कि सुल्तान को उसके जासूसों ने खबर दी कि यूरोप से एक बहुत बड़ा लश्कर मिस्र पर हमलावर होने के लिए निकल चुका है। इसीलिए सुल्तान आर्मेनिया से वापस काहिरा आ गया। काहिरा में उसे पता चला कि फ्रांस का बादशाह लुई नहम, जिसे सुल्तान ने 22 साल पहले बदतरीन शिकस्त दी थी और कैद कर लिया था, उसने ही सुल्तान के खिलाफ जंग का मनसूबा बनाया है। इससे पहले कि सुल्तान की उससे जंग होती, उस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो गया। उसके पूरे लश्कर में एक बीमारी फैल गई, जिससे सिपाही मरने लगे। इस बीमारी ने बादशाह लुई नहम को भी नहीं बख्शा, वह भी इस बीमारी में मुब्तला हो गया और कुछ ही दिनों में उसकी भी इस बीमारी से मौत हो गई। उसके मरते ही बची कुची फौज का हौसला टूट गया और सारी फौज बिना लड़े ही वापस लौट गई। इसके बाद सुल्तान बैबरस फिर से अपना लश्कर लेकर निकल चुका था। सलीबियों में सुल्तान का इतना खौफ बैठ गया था कि सलीबी बिना लड़े ही किला सुल्तान के हवाले कर देते थे। इधर हलाकू खान का बेटा इबाका खान अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए सुल्तान बैबरस से जंग करने चला आया। सुल्तान बैबरस से उसका सामना हुआ। सुल्तान ने उसे ऐसी शिकस्त दी कि उसने कभी सर उठाने की हिम्मत न की। इन सब जंगों से फारिग होकर सुल्तान दमिश्क में पड़ाव किए हुए था कि सुल्तान शदीद बुखार में मुब्तला हो गया। तबीबों के बहुत ज़्यादा इलाज के बावजूद सुल्तान बैबरस ठीक ना हो सका और इस फानी दुनिया से 57 साल की उम्र में कूच कर गया। सुल्तान बैबरस की वफात की खबर सुनकर पूरा आलम इस्लाम गम और रंज में डूब गया और सुल्तान की मगफिरत की दुआएं की गई। इसके मुखालिफ मंगोल और सलीबी रियासतों ने अपने सबसे बड़े दुश्मन की मौत पर खुशी का इजहार किया। दमिश्क की मिट्टी ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद सुल्तान बैबरस को भी अपनी आगोश में ले लिया।